हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त एडवोकेट तुलसीराम सिंह फ्रॉम दिल्ली से मैं बात कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की, जो कि अभी कुछ दिन पहले आया था कि जैसे क्या होता है आदमी अपनी गर्लफ्रेंड को या बिना विदाउट मैरिड किसी लड़की या लड़का एक दूसरे के साथ में ओयो में जाते हैं, किसी होटल में जाके ठहरते हैं, तो वहाँ पे क्या होती है पुलिस उनको परेशान करती है, तो उस जगह पे क्या करना होता है? आप सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है या आपका जो भारतीय संविधान है उसमें आप अनुच्छेद 21 के तहत उसमें साफ साफ कहा गया जो आपका मौलिक अधिकार है, आप अपनी मर्जी से किसी के साथ रहने और शारीरिक संबंध बनाने के लिए आज़ाद हैं, मतलब आपको ये स्वतंत्रता दी गई है। अगर आपको कोई परेशान करता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और अपने मौलिक अधिकारों का आप रक्षा के लिए प्रार्थना वहाँ कर सकते हैं। आपका जो मौलिक अधिकार दिया गया आपके संविधान ने दिया है उसको कोई नहीं छीन सकता, याद रहे अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 जो आपका मौलिक अधिकार है, अपनी मर्जी से किसी के साथ आप रह सकते हैं, एक बार मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, रह सकते हैं उसके साथ शारीरिक संबंध बना सकते हैं, हाँ बस शर्तें मर्जी से होना चाहिए ना कि जबरदस्ती, और इसमें कोई नहीं रोक सकता, ये आपका मौलिक अधिकार है। और अगर इसका कोई हनन करता है तो दोबारा कह रहा हूँ आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं उस व्यक्ति के अगेंस्ट। थैंक यू गाइस, धन्यवाद।